दोस्तों आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ में। कैमरामैन से चाहूंगा कि पीछे का दृश्य जरूर दिखाएं एक बार। आज गांव समैन के अंदर स्टेट लेवल के जो गेम हैं खो खो के वो शुरू होने जा रहे हैं और उसके अंदर हरियाणा से खो खो के जो चीफ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि हरियाणा लगातार गेमों के अंदर एक इतिहास रचता जा रहा है और आज खो खो की यहाँ पर ओपनिंग है उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं त्यागी जी, तो सर क्या बताएंगे आज हमारे दर्शकों को, गांव समैन के अंदर आप पहुँचे हैं, क्या प्रोग्राम है? ये समैना के अंदर जो अभी हरियाणा का जो स्टेट चैम्पियनशिप है सीनियर, वो ये होने जा रहा है और इस स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर हमने अभी ये साल ख़त्म होने जा रहा था तो हमारा ये विचार रहा कि इन बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर और अच्छा जो यहाँ पर हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कर रही है उस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमने एक कमेटी बनाई है जिसके तत्वावधान में ये स्टेट चैम्पियनशिप कराई जा रही है और इससे इन बच्चों का बेनिफिट होगा और ये आगे जो है अपना फ्यूचर जो है उसे ब्राइट करने में इनका एक इस चैम्पियनशिप में योगदान मिलेगा। सर कितने दिन ये चैम्पियनशिप चलेगी? ये चैम्पियनशिप 3 दिन चलेगी सर, 29, 30 और 31 को फाइनल होगा। खो खो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो हरियाणा के युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो के आ रहे हैं, खो खो को लेकर आप क्या कहेंगे? सर खो खो ही नहीं, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, हरियाणा का यूथ है, वो अपने आप में एक बहुत ही सक्षम रखने वाला है और वो सभी मोटर क्वालिटी जो एक शारीरिक होती है वो सभी में एक संपूर्ण है। उसी चीज़ में आप खो खो के अंदर भी आप देखेंगे तो खो खो में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नेशनल्स में इंटरनेशनल में रहता है। अभी यहाँ के 2 बच्चे जो हैं वो एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसी तरह से यहाँ के जो कोचिज़ हैं जो हमारी यहाँ पर ये सभी काम कर रहे हैं खो खो के प्रति, चाहे वो टीचर हैं, कोचिज़ हैं, चाहे अदर पदाधिकारी हैं, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है और खो खो इसी तरह से अगर बढ़ता रहा है तो हरियाणा एक दिन नेशनल्स में भी और इंटरनेशनल में अपना परचम फहराएगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैडम जी आप क्या कहेंगे खो खो को लेकर? देखो खो खो हमारा एक रूरल गेम है, हर कोई खो खो खेलना पसंद करता है, लेकिन आजकल हमारी जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट हमारे श्री सुधांशु मित्तल जी हैं और हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे श्री जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी सर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी उपकार सिंह हैं। इन सभी ने बहुत ही ज़्यादा खो खो के लिए मेहनत की है और जो खो खो का आज के दिन जो स्तर है वो बहुत ही ऊँचे लेवल पर गया है। जैसे पहले कबड्डी एशियन चैम्पियनशिप वगैरह खेली जाती थी तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो खो खो गेम है अभी रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप हुई है और एशियाड में भी हमारी इसकी डेमोस्ट्रेशन होगी और एक दिन हमारा खो खो का जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है कि ओलंपिक लेवल तक खेला जाएगा। और मेरा सभी बच्चों के लिए यही है कि वो दिन रात डिसिप्लिन में रहकर मेहनत करें और अपने हरियाणा का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करें। मैडम आप एक महिला हैं और लड़कियों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो लड़कियां पढ़ने 10वीं या 12वीं के पास पढ़ना छोड़ देती हैं, गेम के अंदर बहुत पीछे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो देखो आज के दिन तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, हमारे ज़माने में जो कितने बड़े हो गए हैं उस टाइम पे भी बहुत कम बच्चे खेलते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हर गांव में हर जगह पे बच्चे खेलते हैं और पेरेंट्स से और टीचर से भी मैं यही अनुरोध करूँगी कि वो बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करें और उनको इसके बारे में बताएँ कि जो बच्चे खेलेंगे वो एक दिन अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे। थैंक यू मैडम जी। तो ये थे हमारे साथ खो खो के चीफ और मैडम ने बताया कि लड़कियों के लेकर भी बहुत अच्छा भविष्य है और माता पिता से अनुरोध किया है कि वो लड़कियों को शिक्षित करें और खेलने में उनकी मदद करें। तो लगातार ये चैम्पियनशिप है जो 3 दिन गांव समैन के अंदर चलेगी, तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।